दिस इज उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैट कैम सॉल्यूशन। और आज हम लोग जो वीडियो ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं वो एनएक्स कैम पे है, और एनएक्स कैम के अंदर हम लोग ये मल्टी एक्सेस के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक ये पार्ट यहाँ पे बना रखा है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एप्लीकेशन में जाके मैन्युफैक्चरिंग में आ जाइए और यहाँ पे वर्कपीस डिफाइन करते हैं। सबसे पहले पार्ट हमारा ये है, और ब्लैंक ब्लैंक में ले लीजिए आप बाउंडिंग सिलेंडर, और ओके कर देते हैं। और ओके, ये हमारा वर्कपीस डिफाइन हो गया है। अब इस वाले कट को कट करने के लिए हमें टूल लेना होगा, एक मिलिंग का एक टूल लेता हूँ मैं यहाँ पे, या बॉल मिल का, चलिए मिलिंग का ही ले लेते हैं। मिलिंग का लेते हैं यहाँ पे हम 10 का टूल लेके ओके कर दीजिए इसे। आप फिर क्रिएट ऑपरेशन में जाएंगे, और क्रिएट ऑपरेशन के अंदर यहाँ से आपको लेना है वेरिएबल स्ट्रीम लाइन ऑपरेशन लिया, यहाँ से टूल सेलेक्ट करिए और फिनिश, और स्ट्रीम लाइन लेने के बाद आप यहाँ से ऐड करिए। एडिट करके आपको डिफाइन करने हैं फ्लो कर्व, फर्स्ट कर्व ये है, और यहाँ से लिस्ट में जाइए और क्लिक करिए सेकंड, ये तो दो पॉइंट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिए हैं। और इसके बाद आप नीचे जाइए और यहाँ से जो स्टेप ओवर हैं वो 10 है, ओके, और यहाँ से नॉर्मल टू ड्राइव रखेंगे, और नॉर्मल टू पार्ट टूल का एक्सेस, और नॉन कटिंग मूव में आर्क एज का स्टार्ट, रैपिड में जाके बाउंडिंग सिलेंडर ओके, और फीड और स्पीड, यहाँ से स्पीड मैं 600 की लेता हूँ, स्पिंडल स्पीड और जनरेट ओके। अब फिर यहाँ से जनरेट करके देखते हैं इसको, ये इस टाइप के ये कर्व्स स्ट्रीम लाइन के जनरेट हो जाएंगे। और एक चीज़ ये कि टूल जो है हमारा ये कुछ इधर से आ रहा है, तो नॉन कटिंग मूव में जाएंगे, और नॉन कटिंग मूव में जो हमारा इंगेज टूल है उसको मैं लेता हूँ लीनियर नॉर्मल टू पार्ट। दूसरा, जो ये लाइन्स आई हैं स्ट्रीम लाइन, इनको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो नीचे आके इसको मैंने ले लिया 30, और यहाँ से जनरेट करते हैं दोबारा से, थोड़ा सा टाइम लेकर ये इस टाइप का यहाँ पे आ गया है। ये आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई में जाइए, और स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के प्ले कर लेते हैं। टूल पाथ पहले वाला है, उसकी वैसे शो भी कर रहा है यहाँ पे उसे टूल पाथ को, जो हमने डिस्प्ले ऑन किया था इसका। और इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, इसके किनारे का कट करना है, तो उसके लिए हम एक टूल लेने वाले हैं। टूल मैंने एंड मिल कर लिया 1, और टूल को मैं लेता हूँ 6, और क्लिक, और इसे ओके। फिर यहाँ से जाइए और यहाँ से हम लेंगे कंटूर प्रोफाइल, सेकंड वाला टूल, फिनिशिंग, और अभी ये यहाँ से शो कर रहा है, हम इसे पहले फ्लोर लेता हूँ और सेलेक्ट किया फ्लोर ओके, और यहाँ से मैं चेक करूँगा तो ये मुझे शो हो रहा है इसकी बाउंड्री, और कर दीजिए जनरेट।
यहाँ से सिंगल पास है और डेप्थ पास भी बनी रखी है। सिंगल डेप्थ पास में ही पूरी जो भी थिकनेस है उसे कट करना है और हो गया है, लेकिन शो नहीं हो रहा क्योंकि ये लाइंस बहुत शो हो रही हैं, इसे मैंने डबल क्लिक किया। अब यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं और फिर स्पीड थोड़ी सी कम भी कर देता हूँ मैं। इसमें टूल हमारा वर्टिकल आ रहा है, देखिए ये किनारे की जो है एक्स्ट्रा मटेरियल उसको यहाँ से रिमूव कर देगा और इसे कर देते हैं ओके। तो ये हमारा कंटूर प्रोफाइलिंग वाला ऑपरेशन भी हो गया। और फिर इस वाले को कट करने के लिए हमें फिर से लेना पड़ेगा एक टूल, और टूल मैं लेता हूँ यहाँ पे एक फोर का टूल, और टूल यहाँ पे लेते हैं और इसको कर दीजिए 90 के एंगल पर, वर्टिकल आ जाएगा। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि ठीक नहीं हो पाई पोजीशन, आप डबल क्लिक करिए और टूल चाहिए मुझे यहाँ पे और इसको रोटेट कर लेते हैं 90 पे आ गया है ये, थोड़ा सा इधर मूव कर लीजिए ओके। ये इनिशियल प्लेसमेंट आ गया इसका। क्रिएट ऑपरेशन में जाएंगे और फिर हम यहाँ से लेते हैं वर्बल कंटूर और टूल है हमारा, और यहाँ से ओके करिए। यहाँ से सरफेस एरिया लेंगे, ड्राई मेथड में सिलेक्ट करिए सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया लेते हैं ओके, और 10 की जगह इसको 5 ही रख लेते हैं। और फिर कट की डायरेक्शन ओके और जनरेट वेक्टर जो होना चाहिए नॉर्मल टू ड्राइव और नॉर्मल टू पार्ट और जनरेट और जो इंगेज टाइप है वो अभी कुछ रेडियल आ रहा है इस टाइप से, वेरीफाई करके देखते हैं एक बार। जिस टाइप से इसने से कट कर दिया है, साइड का भी मटेरियल इसके अंदर बच गया है, उस मटेरियल को रिमूव करने के लिए हमें फिर से एक और ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा। ओके करिए और इसे ओके किया ये। अब इसके ऊपर नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए हम जाते हैं ऐसे क्रिएट ऑपरेशन और ये लेंगे हम, और टूल सब कुछ वही सेम उसी को यूज़ कर लेते हैं, और फ्लोर है ये ओके, इसकी बाउंड्री आ गई और जनरेट। ये इसे एजेस को क्लीन कर देगा। इसके बाद बाकी सब में अगर आपको सेम स्लॉट में चाहिए तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो ये पहले वाला था, इसे राइट क्लिक किया और यहाँ से जाइए ऑब्जेक्ट और यहाँ से ट्रांसफॉर्म लेंगे, और ट्रांसफॉर्म इस एक्सिस के अबाउट ये लाइन है 36 का एंगल और 9 चाहिए ओके। फिर ये लिया हमने और इसे क्लिक किया और यहाँ से ट्रांसफॉर्म वेक्टर ये है 9 चाहिए इंस्टेंस और ओके। अब अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे लास्ट वाले में चला जाइए या तो इसे क्लिक किया, या हम कुछ यहाँ से लेता है और जनरेट किया, यहाँ से नीचे तक के सारे जनरेट और फिर प्ले।
इस टाइप से इसे कट करता जाएगा। कंटूर प्रोफाइल वाला ऑपरेशन ये चल रहा है यहाँ पे और ये फिनिश। तो इस टाइप से हम ये पूरे पार्ट को टूल पाथ बना सकते हैं इसका और ओके। तो हो फ्रेंड्स आपको ये ट्यूटोरियल मेरा अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इसका लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि इस टाइप के हम और वीडियो बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।